चलिए आ जाएं सभी। अच्छा मुझे बताएं जरा, ये अभी आपको सही दिख रहा है? बिल्कुल सही दिख रहा है या अभी सही दिख रहा है? अभी ठीक है? चलिए कितने बच्चे आ गए हैं जरा मैं देख लेता हूँ एक बार। ये बच्चे कुछ मैसेज कर रहे हैं। नित्यांशी, पार्थ, वैष्णवी, वेदिका, प्रियांशी जैन, कृतिका, रिशु, नंदनी, अनन्या, समद, खुशी और ये श्वेता। थोड़ा सा लेट हो गए आज फिर से, ये थोड़ी समस्या हो जाती है बेटा, करें क्या, सेट करने में ही टाइम लग जाता है। लाइव ही नहीं आ रहा है आजकल, बड़ी मुश्किल से आ पा रहा है। 3 बार में लिंक भेजो वो लाइव ही नहीं होता है, तो इसलिए हम पहले चेक कर रहे हैं आजकल के लाइव आ जाए उसके बाद फिर हम फाइनल लिंक भेजते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि पिछली कल भी ये पूरा दिन परेशानी हुई, लिंक भेज दिए, बच्चे लाइव आ गए, उसके बाद फिर वो गायब, चलता ही नहीं है। कभी आवाज़ लैग हो रही है, कभी वीडियो लैगिंग हो रही है, 1000 तरह की समस्याएं हैं ऑनलाइन क्लासेस में। और ये जो दूसरी जो समस्या है जिसकी वजह से ये सब समस्याएं पनपी हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रही, वो बढ़े जा रही है। खैर, जीवन नहीं रोका जा सकता है, कुछ भी रोका नहीं जा सकता है। फटाफट से शुरू करते हैं। जल्दी आ जाओ जल्दी सभी, क्योंकि आज मुझे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात पे आपको डिस्कशन करना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नया टॉपिक है, नई बातें करेंगे। जल्दी जल्दी सभी प्रेजेंट रहो यार, क्योंकि देखिए नया टॉपिक है, अगर आपका छूट गया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
एक बच्चे का मैसेज आया है, सर आई विल बी नॉट एबल टू टेक इवनिंग क्लास एज माई एग्जाम्स हैव स्टार्टेड एंड द टाइम इज 7 to 9:30 PM। ओहो, 7 to 9:30 PM क्लास है, तो बड़ा मुश्किल है बेटा। ऐसा तो नहीं है कि आईपीएल के दीवाने हो, कुछ बच्चे आईपीएल के चक्कर में क्लास नहीं ले रहे हैं, 7:30 बजे बैठ जाते हैं टीवी के आगे। हालांकि बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट का वो एक जरिया है, लेकिन बेटा इस समय एग्ज़ाम्स टाइम चल रहा है, और मुझे पता है कई बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ये तो मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बस शुरू कर रहा हूँ, बस 2 मिनट में शुरू कर रहा हूँ। क्या है, थोड़े से बच्चे तैयार हो जाएं पूरी तरह से, इम्पॉर्टेंट बात करनी है, और बिगनिंग जो रहती है मेरी हर चीज़ की, हर चैप्टर की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है बेटा, तो इसलिए मैं उसको जो है नहीं चाहता कोई मिस हो जाए। जल्दी आ जाओ। जल्दी आ जाएं। चलिए शांभवी, आप बेटा रेगुलर नहीं हो क्लास के अंदर, सार्थक आप भी रेगुलर नहीं हो, मैं कई दिन से देख रहा हूँ, है ना, तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अब जिन बच्चों को जो भी बात करनी है वो उधर ही करें, मैं उधर आ चुका हूँ यूट्यूब पे, है ना। कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं शाम के टाइम, ठीक है, कई बच्चों ने मैसेज कर दिया मुझको, तो फिर क्या किया जाए, इवनिंग क्लास अभी बंद करें कुछ दिन के लिए, डिसाइड करते हैं। डिसाइड कर रहा हूँ बेटा, डिसाइड कर रहा हूँ, इसका टाइम निकाल रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या किया जा सकता है। ओनली 13 आर वॉचिंग, एक बच्चे ने तो आंकड़ा भी निकाल के दे दिया, तो अगर 13 बच्चे कर रहे हैं तो मैसेज तो कईयों के पड़े हुए हैं। ये कृतिज्ञा वर्मा, अच्छा नित्यांशी हैं ये, नहीं बेटा 30 के ऊपर स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं। वो एक्चुअली क्या होता है, बीच बीच में चलिए शुरू कर रहा हूं। तो आज हम लोग को बात करनी है हीरोन फॉर्मूला पे, हेडिंग डाल लीजिए हीरोन फॉर्मूला। क्या है हीरोन फॉर्मूला, क्यों यूज होता है हीरोन फॉर्मूला, ये सारी बातें समझ लो। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है और इसमें हमें क्या पढ़ना है, अब देखिए इस चैप्टर के नाम की बात करें तो हीरोन फॉर्मूला है, यानी बातों चैप्टर के नाम से तो ये समझ में आता है कि एक हीरोन फॉर्मूला हमें पढ़ना है, यानी कि एक फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना है और चैप्टर खत्म हो जाएगा, इस पे तो यही बात समझ में आती है। लेकिन हीरोन फॉर्मूला एक्चुअली, यस इट इज अ जस्ट अ फॉर्मूला, इट इज जस्ट अ फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, बट इसको पूरी तरह से अगर समझना है तो केवल इतने से बात नहीं बनती, हमें यह समझना होता है कि हीरोन्स फॉर्मूला क्यों लगाया जाता है, हीरोन्स फॉर्मूला कब लगाया जाएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके सिलेबस में यह लिखकर एग्जाम पेपर में कभी नहीं आता कि फाइंड द एरिया एंड फाइंड दिस समथिंग बाय यूजिंग दिस, वेरी रेयरली दे विल आस्क, वेरी रेयरली दे आस्क अबाउट दैट फाइंड दिस बाई यूजिंग दिस, यू नो वो कभी एग्जामिनर क्वेश्चन में ये नहीं लिख के देते हैं ज्यादातर के ये इसकी वजह से ये निकालो, ऐसे निकालो, वैसे निकालो, यू नो ऐसे नहीं देते एग्जाम में। वो एक्चुअली क्या होता है, उसमें आपको फाइंड द यूजिंग बाई यूजिंग हीरोन फॉर्मूला एरिया निकालो ऐसा नहीं पूछेंगे,
कई जगह पर ऐसे हीरोन सोबला चैप्टर के क्वेश्चंस हैं जहां पे हमें हीरोन सोबला लगाना ही नहीं है, जहां हीरोन सोबला लगेगा ही नहीं, लेकिन हीरोन सोबला चैप्टर में वो क्वेश्चंस हैं और हमें हीरोन सोबला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो कहने का मतलब, या ये कहूं कि हीरोन सोबला भी लग रहा है और बाकी बहुत सारी चीजें भी लग रही हैं। तो इसीलिए बेसिक दूसरे जो मेंसुरेशन की चीजें हैं, ज्योमेट्री की चीजें हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि बहुत सारे और दूसरे फॉर्मूले भी लगते हैं। तो इसलिए अगर आपको केवल और केवल मंडे किसी का पेपर है मैथ्स का, तो प्लीज जरा मुझे बता दो अभी, क्योंकि कल तो संडे है, मंडे को किसी का मैथ्स का पेपर है जिसमें हीरोन फॉर्मूला आ रहा है, ऐसा कोई बच्चा है तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ बता दूंगा। मुझे बताओ जल्दी से अभी, ऐसा कोई बच्चा जिसका मंडे को मैथ्स का पेपर हो, या फिर वेडनेसडे को मैथ्स का, ट्यूसडे को मैथ्स का पेपर हो, क्योंकि ट्यूसडे वाली क्लास तो होगी लेकिन पेपर हो सकता है पहले ही हो जाए, तो मंडे को या ट्यूसडे को मैथ्स का पेपर हो, हीरोन सोमला आ रहा हो, ऐसा कोई बच्चा है? बार बार पूछ रहा हूं देखो भैया, नहीं तो बाद में कहो सर पेपर में ये आ गया, ऐसा नहीं पढ़ाया, वैसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है एक आध चैप्टर रह जाए आपके पेपर्स में, क्योंकि एग्जाम में जो आते हैं चैप्टर वो आपके स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसके हिसाब पे आते हैं, और स्कूल में सिलेबस थोड़ा जल्दी खत्म होता है क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड खत्म करते हैं सिलेबस। हम पढ़ाते हैं आपको थोड़ा सा ज्यादा, प्रैक्टिस ज्यादा कराते हैं। जल्दी से रिप्लाई कर लो ना यार, जो अगर है, अगर नहीं है तो फिर नो लिख दो, तो मैं इंतजार ही ना करता रहूं उसके लिए, नहीं तो मैं लगाऊं इंतजार करने। ओ रिप्लाई आ गए, उज्जवल कह रहा है यस इन माय एग्जाम ऑन मंडे, सर आज था मेरा एग्जाम मैथ्स का, कृतिका कह रही है। सुहानी कह रही है नो, मतलब कारमल में नहीं है, ग्लोरी में नहीं है। उज्जवल उत्कर्ष, यानी कि आप ऑक्सफोर्ड में हैं जहां तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं, तो आपके स्कूल में आ रहा है, वेरी गुड। तो बेटा सुन लो, आपको पहले तो मैं जो फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ वो सारे याद कर लेना धनाधन तरीके से, उसके बाद में उठा के एनसीईआरटी करना। आपको कोई भी डाउट आ जाए तो कल संडे है, मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे फ़ोन करेंगे और फ़ोन करके मुझसे बात करेंगे। अगर आप लोगों के पास मेरा नंबर नहीं है तो प्लीज़ नोट दिस नंबर। किसी के भी पेपर में कोई क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, पेपर में कोई समस्या आ रही है, पेपर में कोई ऐसी चीज़ आ रही है, नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ाई गई है, तो बेटा प्लीज, आर एग्जाम्स आर फिनिश। ठीक है बेटा, आपके फिनिश हो गए, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको, उम्मीद करता हूं आपका बढ़िया रिजल्ट आए। अब कोई ऐसे बच्चे, वैसे तो सबके पास नंबर है लेकिन फिर भी नहीं है भैया, तो इस पे फोन करके प्लीज बता दिया करो। कई बात क्या होती है, क्लास में मैं आपके मैसेजेस पढ़ता हूं लेकिन कई मैसेजेस में नहीं पढ़ पाता क्योंकि मैं पढ़ा रहा होता हूं, मिस हो गए, अब मैं रीड करूंगा सारे मैसेजेस तो बहुत टाइम लग जाएगा, कई बार पढ़ लिए जाते हैं कई बार नहीं पढ़ पाते बेटा। तो इसीलिए अगर ऐसी कोई दिक्कतें होती हैं तो एटलीस्ट आपका एक फोन बनता है। कुछ बच्चे मैसेज करके ड्रॉप कर देते हैं, इतने आलसी हैं अपन इतने आलसी हैं कि एक फोन नहीं कर सकते सर को, और वो भी किससे रिलेटेड, आपके भले की बात, किसका फायदा, आपका फायदा, हर चीज किससे रिलेटेड हो रही है आपसे, तो करना किसको चाहिए एफर्ट, आपको ना, क्या इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, तो हम ये जिम्मेदारी आपको निभा रहे हैं कि बेटा फोन करके अगर आप पर्सनली बताओगे, मुझसे बात करोगे, मैं बड़ा अचंभित रहता हूं। और ये एक बच्चे से नहीं कह रहा हूं मैं, पहले तो ये समझो कि ये किसी एक बच्चे की बात नहीं चल रही है, ये सभी बच्चों की बात चल रही है। मैं गिनती के एक या दो बच्चों को अगर साइड कर दूं, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा है जो रेगुलर मेरे कॉन्टैक्ट में हो, जो रेगुलरली मुझसे बात करता हो। मैं ही ट्राई करता रहता हूं बात करने की, मैं ही फोन करता रहता हूं आपके पेरेंट्स को, कभी किसी से बात हो जाती है, कभी किन्हीं पेरेंट्स का फोन आ जाता है ना, लेकिन मैं पेरेंट्स का दोष इसलिए नहीं दे सकता बिकॉज दे आर ऑल्सो बिजी इन देयर वर्क, तो उनकी ड्यूटी आप तक है। अब उनकी ड्यूटी यह भी है कि आपके टीचर से भी बात करें, उनने ये भी काम करना है, आपको पढ़ाएं भी, आपकी पढ़ाई देखें भी,
और पेरेंट्स फिर हमसे बात भी करें आपके लिए सब कुछ आप, अब जब आप हमें बात हमसे बात करोगे हम ऑटोमेटिकली आपके पेरेंट्स से कांटेक्ट कर लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाएगा बात करके कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो हम खुद ही आपके पेरेंट्स को लगा लेंगे फोन। तो ये एक एक तरीका होता है। तो ये तो एक वो, अब ये वो बच्चे तो बिल्कुल नहीं करने वाले, जो बच्चे पता है गलती पर हैं तो वो काय को करने वाले हैं भैया, वो क्यों फोन करेंगे कि सर उल्टा पैर हम अपनी कुल्हाड़ी पे दे दें, कैसी बातें कर रहे हो आप, हम अपना पैर जो है उठाकर कुल्हाड़ी पर मार लें, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप हमसे, हम आपको फोन करेंगे, मतलब आप समझो कि शेर के मुंह में हाथ देने वाली बात हो गई सर, ऐसी बातें हम क्यों करें। तो ये भी एक बात है। लेकिन अगर किन्हीं बच्चों को, ऐसे सारे बच्चे नहीं होते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ऐसा कोई बच्चा होए ना, और ऐसे कई हैं जिनको समस्याएं रहती हैं, डाउट के लिए आप फोन कर सकते हैं, डाउट के लिए आप मुझसे समय ले सकते हैं, कितनी सारी चीजें हैं यार। अब मैं बार बार थोड़ी रिपीट करता रहूंगा ये बातें, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, आप अपने डाउट भेज सकते हैं, एक बार फोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कितनी फैसिलिटी है, समझ रहे हो मेरी बात को। समय डिसाइड कर लेते हैं अपन, आप शाम के टाइम कर लीजिए, क्लास के बाद कर लीजिए, कभी भी कर लीजिए, ये आप किया जा सकता है। दूसरी बात, और इसके अलावा कोई है, मंडे को पेपर है, यानी कि मैं मंडे को जो पेपर की बात कर रहा हूं, मैथ्स के पेपर की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें हीरोन्स फॉर्मूला आ रहा है। चलिए शुरू कर देता हूं। अब देखिए, सबसे पहले तो कि एक ट्राइंगल है, अब इस ट्राइंगल में क्या होता है बेटा, ब्राइटनेस यार काफी कम लग रही है मुझको। इस ट्राइंगल में क्या होता है बेटा, जैसे मैंने इसको ट्राइंगल को नाम दे दिया एबीसी, इस ट्राइंगल को नाम क्या दे दिया, एबीसी नाम दे दिया। अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर कोई परपेंडिकुलर दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, रिमेंबर दिस, परपेंडिकुलर दिया है, तो इसका एरिया अलग तरह से निकल जाएगा। यानी कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर की लेंथ हमारे पास है, एल्टीट्यूड हमारे पास है, इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर की लाइन यानी 90 डिग्री वाली लाइन जिस साइड पर बनाई जाती है उसे बेस कहा जाता है। मतलब अगर ये ट्राइंगल है, इसमें ये परपेंडिकुलर मैंने अलग से बनाया है, राइट ट्राइंगल में तो ये डायरेक्ट ही दिखने लग जाता है, क्योंकि राइट ट्राइंगल में क्या होता है, एक साइड ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही होती है। तो अगर कोई राइट ट्राइंगल है उसमें तो काम बहुत आसान हो गया बेटा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है, जो एल्टीट्यूड है, वो ऑलरेडी एज अ साइड प्रेजेंट है। लेकिन अगर कोई अलग से ट्राइंगल है, उसकी साइड 90 डिग्री की नहीं है, तो उसमें एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ किया हुआ दिया जा सकता है या हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, यहाँ हमने परपेंडिकुलर बना लिया है, इस साइड की मैं बात करूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, जिसको यूजली मैं H से रिप्रेजेंट करता हूं, स्मॉल s से, और जिस साइड पे परपेंडिकुलर होता है उसे मैं बेस कह सकता हूं। अब राइट ट्राइंगल में एक्चुअली इसको मैं परपेंडिकुलर कह देता हूं, क्योंकि H का मतलब हाइपोटेन्यूस होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो आप उनको लेटर्स पे मत जाना, बेसिक बात को समझना। तो ये मान लीजिए बेस B है और ये मान लीजिए हाइट है एल्टीट्यूड। तो कहने का मतलब इन जनरल एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो किसी भी ट्राइंगल में ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन कंडीशन है कि हमारे पास एल्टीट्यूड हो, तो कोई भी एरिया ऑफ ट्राइंगल या जनरल फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, जो किसी भी ट्राइंगल में लग सकता है, वो आप याद कर लें जल्दी से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी कि ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कुछ काम नहीं करेगा तो ये काम करेगा, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका मतलब है यानी कि हमारे पास बेस होना चाहिए, मेरे पास में कोई परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाकर किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूं। लेकिन याद रखिएगा, अगर हाइट नहीं दी गई है, अगर परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो पहले तो इसको नोट कर लो, ये एक जनरल फॉर्मूला, ये राइट ट्राइंगल हो तब भी बेस ही हो गया या हाइट हो गई,
जनरल फॉर्मूला है तो अलग से हाइट दी गई है, बेस हो गया, हाइट हो गई। नोट करते चलना पड़ेगा बेटा, आपको फॉर्मूले बहुत सारे हैं, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। तो ये तो हो गया एक। अब मान लीजिए कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसमें हाइट नहीं है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऐसे भी ट्राइंगल मिलेंगे जिनमें हाइट नहीं होगी, एल्टीट्यूड नहीं होगा, तब क्या करोगे उस केस में, क्या करोगे? तो उस केस में बेटा हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि वहां पर हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। ये बेटर है, वहां पर हम क्या करेंगे, वहां हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे बेटा? हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। याद से समझें इस बात को। तो अगर कोई ऐसा ट्राइंगल मिलता है जिसमें परपेंडिकुलर दिया ही नहीं है, जिसमें हाइट दिया ही नहीं है, तो तीनों साइड दी गई हैं, तो फिर अगर तीनों साइड दी गई हैं, हाइट नहीं दिया गया, तो ये तो लगेगा नहीं, तो ये खत्म हो गया मामला। ये पहला फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे लेट कर पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं थोड़ा सा मेहनत कर लो, नहीं तो उससे कोई फायदा नहीं निकलेगा आपकी पढ़ाई करने का। तो मेरी बात को समझें। अब मैं दूसरा फॉर्मूला लगवा रहा हूं, तो पहला नंबर का फॉर्मूला हो गया, अब फॉर्मूला नंबर टू। ये ट्राइंगल ही चल रहा है अभी, लेकिन याद रखिएगा इसमें ट्राइंगल के अलावा और भी फिगर्स आएंगे। अब मैंने कोई ऐसा ट्राइंगल ले लिया जिसमें मुझे ट्राइंगल के अंदर तीन साइड्स की बातचीत की जा रही है, यानी कि एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, और इस ट्राइंगल के अंदर तीन साइड्स हैं जिसकी बात चल रही है, तीन साइड्स की बात चल रही है, यानी कोई परपेंडिकुलर प्रेजेंट नहीं है, नहीं दिया भाई परपेंडिकुलर, तो क्या होगा? तो एक साइड को ए मानो, एक साइड को बी मानो, एक साइड को सी मानो, एक साइड को ए मानो, एक साइड को बी मानो, एक साइड को सी मानो, ऐसा मान सकते हैं। मेरी बात को दोबारा सुन लो, अगर कोई ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है तो उसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा। अगर कोई ट्राइंगल में परपेंडिकुलर दिया गया है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा। लेकिन अगर किसी ट्राइंगल के अंदर, अगर मान लीजिए ये ऐसा ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर प्रेजेंट नहीं है, तब हीरोन्स फॉर्मूला काम करता है। यहां पर हीरोन्स फॉर्मूले की हमें जरूरत, या कह लो या यूज कह लो, हमें यहां पर इसका यूज मिलता है हीरोन्स फॉर्मूला का, कि भैया यहां ये काम कर जाएगा, हीरोन्स फॉर्मूला यहां काम कर जाएगा। अब इसके लिए हमें चाहिए होती है, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें एक चीज होती है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या चीज होती है? तो पेरीमीटर अगर किसी ट्राइंगल का या इनफैक्ट किसी भी फिगर का निकालना है, तो एक जनरल तरीका पेरीमीटर का क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है बेटा पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहूं तो पेरीमीटर को मैं 2s, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ रहे हैं इसलिए 2s बोल रहे हैं, वैसे पेरीमीटर को पी भी बोल दे, जनरल बोल सकते हो आप, पर यहां 2s क्यों बोल रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में s यूज किया गया है। तो 2s एक पेरीमीटर है जिसका मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी। अगर 2s कुछ पेरीमीटर है तो मैं यहां से s भी निकाल सकता हूं, तो ये निकल के आ जाता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि ये होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? s बिलोंग्स टू सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ए कॉमा बी कॉमा सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये पूरा नोट करो, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अगर मान लीजिए एस सेमी पेरीमीटर है, मान लीजिए ए बी सी ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो इस तरीके से आप यहां पर हीरोन्स फॉर्मूला से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। सो देयर फॉर By Heron's formula, by Heron's formula, area of triangle, ऐसा ट्राइंगल जिसमें
अब इसका नाम एबीसी है तो एबीसी लिख सकते हैं, मैं तो इन जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, ऐसा ट्राइंगल जिसमें ए बी सी साइड्स दी गई हो, एस उसका सेमी पेरीमीटर होता ही है, तो ऐसे ट्राइंगल में जिसमें एस सेमी पेरीमीटर है, ए बी सी ट्राइंगल की साइड्स दी गई हैं, देर इज नो परपेंडिकुलर, देर इज नो एल्टीट्यूड इन दैट ट्राइंगल, इफ द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड इज गिवन देन द बेस विल वर्क, इफ द बेस इज गिवन एंड द एल्टीट्यूड इज गिवन देन वी कैन फाइंड द एरिया बाय यूजिंग हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, वी डोंट नीड टू अप्लाई हेरोंस फॉर्मूला इन दैट केस, बट व्हेन द एल्टीट्यूड इज नॉट गिवन then we need Heron's formula, because in that case if altitude is not given then sides will be given, to us case mein aap lagaoge Heron's formula. Abhi yahan pe ek aur baat bataunga main, sunte chalna, baatein milengi sunne ko janne ko, s s minus a s minus b s minus c, aise kam jaane kitne formula banenge abhi isme, aur aapko bata dunga ki yaad bhi kaise karte hain, जैसे आइडेंटिटीज अगर आपको सुनाई हो मैंने कभी, याद कैसे करते हैं, एक सांस में पूरे फॉर्मूले, प्राणायाम भी हो जाता है और फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाते हैं, समझ रहे हो, पूरी सांस भरी और एक बार में सारे फॉर्मूले बोल दिए, तो आपकी सांसों की एक्सरसाइज भी हो गई और फॉर्मूले भी हो गए, इसे कहते हैं क्रिएटिविटी, समझ रहे हो, दिमाग से काम करना, इस्तेमाल करना चीजों का। खैर एरिया याद कर लो जल्दी से, एस 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 माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये क्या है, ये Heron's formula, आप कहोगे सर ये क्यों याद करें, ये काय के लिए बना दिया, इतना डिफिकल्ट सा देखने में लग रहा है, करने में तो और डिफिकल्ट होगा, मैं कहूँगा बेटा सुन, ये फॉर्मूला एक्चुअली ऐसे बना कि हमें पता है कि एस सेमी पेरीमीटर है, अब सेमी पेरीमीटर मैंने साइड माइनस करी है सेमी पेरीमीटर में से, यानी कि आप सबसे पहले एस अगर देखो तो S बड़े आराम से आ सकता है, A प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ये निकालोगे, फिर आपको पता है आपको S की तो वैल्यू आई गई, अब आपको चाहिए S माइनस ए, तो S में से साइड माइनस हो रही है, फिर आपको चाहिए S माइनस बी, दूसरी साइड माइनस हो गई, S माइनस सी, तीसरी माइनस हो गई, ये फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसमें खास बात यह है कि ए बी सी अगर सेम है तो भी ये काम करेगा, ए बी सी अगर डिफरेंट है तो भी ये काम करेगा, ए बी सी में से अगर कोई दो सेम है तीसरी डिफरेंट है तब भी ये काम करेगा, यानी कि ये फॉर्मूला इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें आप साइड की वैल्यू किसी भी तरीके से रख दो, इस ट्राइंगल का एरिया हमेशा आएगा। आप कहेंगे सर ये चेक कैसे किया, तो बेटा पहले इन्होंने क्या किया, ये फॉर्मूला जब इन्वेंट कर रहे थे बना रहे थे तो इसका हमने एक परपेंडिकुलर यहां से किसी ट्राइंगल का, मतलब कोई हमारे पास एक फिक्स शेप बना हुआ है ट्राइंगल का, उसके अंदर आप एल्टीट्यूड तो बना ही सकते हो, उसको बीच में से ऐसे फोल्ड करो, किसी ट्राइंगल को ऐसे फोल्ड करो, काट दो, हर बार ट्राइंगल फोल्ड नहीं होगा, आइसोसेलेस में हो जाएगा, मैं आइसोसेलेस की बात कर रहा हूं, तो वो एल्टीट्यूड मिल गया, कोई स्केलन है तो उसमें किसी साइड से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर ही सकते हो प्रोटेक्टर से कंपास से, उससे आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब निकाल के करोगे चेक तो ये फॉर्मूले से भी एरिया वही आएगा, तो इसलिए इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। अब ये काम कब करेगा, जब हमारे पास में एल्टीट्यूड नहीं है, नोट कर लो जल्दी से। अब एक क्वेश्चन करते हैं पहले इस पर, फिर आगे की बात करेंगे, नहीं तो तब तक आप ये भूल जाओगे, जल्दी से इसको नोट करो, अगर नोट कर लिया है तो बता दो, समझ में आ गया हो तो बता दो, यस सर लिख दो, कुछ रिप्लाई कर दो, कुछ बात कर लो, जीवन में कुछ कर लो बेटा, बैठे बैठे क्या जिंदगी गुजार रहे हो, कुछ करो, नहीं कर रहे हो, नहीं करोगे, याद रखिएगा ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो दो फॉर्मूले मेन हैं जो चलते हैं, पहला हो गया है जनरल एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का तरीका, हाफ बेस इनटू हाइट, और दूसरा अगर मान लीजिए एल्टीट्यूड नहीं दिया है तो एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, वो भी रूट के अंदर आएगा, वो भी रूट के अंदर आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखें, ये नोट कर लिया ना, ये बेटा काम आएगा हर क्वेश्चन में फॉर्मूला, ध्यान रखें ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ट्राइंगल के कई क्वेश्चंस होंगे उसमें हम लोग इसको यूज करेंगे, तो इसलिए आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा प्लीज, कई लोग नोट्स ही नहीं बनाते हैं,
क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 13, 14, 15. चलो तो एक ट्राइंगल है उसकी साइड्स दे दी बेटा 13, 14, 15 एरिया निकालो. अब देखो एक साइड हो गई 13 मान लो, ट्राइंगल एबीसी मान लिया. अब लिखने का तरीका समझ लेना नहीं तो शुरू हो जाओ. पहले लिखने का तरीका समझो, कुछ बच्चों को ज़्यादा जल्दी रहती है, वो भिड़ गए होंगे सॉल्व करने. लिखने का तरीका भी सुन लो. ऐसे कोई एक ट्राइंगल है, इसमें तीन साइड्स हैं 13, 14 और 15. अब इसमें क्या करते हैं बेटा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल को कोई नाम दे दो. तो लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल इन विच, ऐसे लिखना पड़ता है, ये ज्योमेट्री का पार्ट है और मेंस दोनों कैलकुलेशन भी है इसमें, ज्योमेट्री भी है, तो दोनों चीजें बतानी पड़ती है. बिकॉज उन्होंने बोला ट्राइंगल का नाम नहीं दिया, उन्होंने बोला कि बस एक ट्राइंगल है उसकी साइड दी गई है ये. तो आप क्या करोगे, हम लिखेंगे लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल इन विच. अब इसमें क्या क्या है जरा ध्यान से देखो. ए आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर, बी आ गया 14 सेंटीमीटर, सी आ गया 15 सेंटीमीटर. इसके बाद में अब बताओ एल्टीट्यूड है इस ट्राइंगल के अंदर, नहीं है. अगर एल्टीट्यूड नहीं है तो कौन सा एरिया, कौन सा फॉर्मूला लगता है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, बताइए. हीरोन सोना लगेगा. अगर एल्टीट्यूड दिया जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो आपको ये याद रखना है, दिमाग में रखना है कि कब क्या करना है. एस निकाल लो जल्दी से. तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, यानी कि 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन टू, 15 और 14 29 32 42 आ जाएगा. 42 अपॉन 2 यानी कि 21 सेंटीमीटर, मत लिखना भूल जाना, यूनिट जरूर लिखते हैं. तो एस आ गया 21 सेंटीमीटर, पहला काम ये है. अब आप फॉर्मूला लगा दो सीधे, उसमें वैल्यू रखते जाओ. बेटा समझना इसमें स्क्वायर रूट वगैरह भी निकालना पड़ता है, वो भी सीखना पड़ेगा, हालांकि 8th में पढ़े हुए हो आप. सो नाउ बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, अब हम इसको लिख सकते हैं. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. अब इसका एरिया निकालना है बेटा. एरिया कैसे, सॉरी एरिया निकालना है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ध्यान से देखना, पहले एस का वैल्यू रखना पड़ेगा 21 है ना, फिर इंटू एस माइनस ए यानी कि 21 माइनस 13, फिर इंटू 21 माइनस 14, फिर इंटू 21 माइनस 15, यानी कि ये सारे मल्टीप्लाई में है. कई बच्चों को ये चीजें भी नहीं पता चलती कि करना क्या है, फॉर्मूले में मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा. तो कुछ भी ना हो तो ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है. तो इस तरीके से सारे मल्टीप्लाई में रहेंगे तो हम पेयरिंग कर लेंगे, फिर जो पेयर बना लेंगे वो बाहर आ जाएंगे. याद करो स्क्वायर रूट में पढ़ा होगा आपने. तो अब जरा देखो 21 अभी पेयर मत बनाओ, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं पूरा फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं. मैं कहता हूं जितने बड़े नंबर मिल जाएं उनके पेयर बना लो ना. मेरी बात समझो जरा यहां दो मिनट. मैंने लिखा 4 × 4, अब इसको सॉल्व करना है तो क्या जरूरी है इसको अपन 2 × 2 × 2 × 2 लिखें और 2 × 2 के दो पेयर बना. अरे 4 का एक पेयर बन गया, सीधे 4 बाहर आ गया, क्योंकि आप स्क्वायर रूट थोड़ी दिखाने जा रहे हो, आपको तो सॉल्व करना है. तो कैलकुलेशन में आप ये ध्यान रखिएगा कि जितनी जल्दी बड़े बड़े नंबर के पेयर बन जाएं उनको बना के बाहर लेना है. स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए पेयर बनाते हैं. तो ये 21 माइनस 13 करो कितना आएगा, 8 आएगा. तो ये एक कम आ जाएगा क्योंकि 14 है, तो 7 बचेगा, तो ये 6 बचना चाहिए. अब देखिए एक इधर बढ़ रहा है ना, तो माइनस करेंगे तो एक कम आएगा. अब देखो ये मेरे को क्लियर दिख गया कि 7 का एक पेयर यहां छुपा हुआ है, 7 और 3. और ये 8 की बात करूं तो इसको थोड़ा खोलना पड़ेगा, क्योंकि 8 के अंदर 2 × 2 × 2 खोलना पड़ेगा और यहां खोलना पड़ेगा. यहां क्या डायरेक्ट नहीं बन रहा है तो खोलना पड़ेगा. कई बार डायरेक्ट मिल जाते हैं, इसमें नहीं मिल रहा है तो खोल दो सबको पहले. तो ये हो जाएगा 3 × 7, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2, 8 को लिख दिया, ये 7 और ये 2 × 3. अभी ये क्या है, पूरे तरीके से प्रॉपरली नहीं लिखे हुए हैं, इनको प्रॉपरली लिख देते हैं थोड़ा सा. तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2. देख लो, दो दो कितनी बार टू थे, 1, 2, 3, 4, 4 बार लिख लिया. अब 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 × 3. फिर
फिर सेवन कितनी बार है? दो बार, तो दो बार सेवन भी लिख लिया। अब देखो क्या सभी के पेयर बन गए, क्या सभी पेयर्स में हैं? तो सब एक एक बार बाहर ले लो, यानी एक पेयर से एक नंबर बाहर आती है, ये आपने पढ़ा होगा स्क्वायर रूट में। तो यहां से देखिएगा, ये टू का एक पेयर बन गया, एक पेयर यहां से टू का बन गया, एक पेयर यहां से थ्री का बन गया, एक पेयर यहां से सेवन का बन गया। यानी कि मैं देख पा रहा हूं कि सभी एक एक बार बाहर आ सकते हैं। तो एक पेयर टू का है तो एक टू बाहर, एक पेयर यहां से टू का, एक टू बाहर, एक पेयर थ्री का भी है तो ये रूट के बाहर, एक पेयर यहां से सेवन है तो ये भी बाहर। सेवन इंटू थ्री 21, 21 इंटू टू 42, 42 इंटू टू कर दोगे तो 84। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना मत भूल देना, क्योंकि एरिया का यूनिट यूनिट स्क्वायर में आता है, स्क्वायर यूनिट्स होता है ना। तो अगर साइड सेंटीमीटर में है तो एरिया क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड मीटर में है तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। साइड अगर मान लीजिए किलोमीटर में है तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना। तो ये स्क्वायर रूट अपन ने सॉल्व करना सीखा। ऐसे कई क्वेश्चंस में हमें कैलकुलेशन मिलेंगी, आपको इन्हें अच्छे से समझना होगा और करना होगा। बोलो आ गया समझ में? हीरोन सोमला कर लोगे तो आपका इन जनरल जो पेपर होगा 20 नंबर या 25 नंबर का स्कूल में, उसमें आप ये मान के चलें कि आपका 50% काम तो खत्म हो गया, क्योंकि अभी के छोटे पेपर में बहुत ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, उतना ही पूछा जाएगा क्योंकि 4-5 चैप्टर हैं। तो हीरोन सोमला का एक आध क्वेश्चन बनेगा, और क्या बन सकता है? जल्दी से सभी रिप्लाई कर दो यार। इसको क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? जल्दी से करें। तो, क्या बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया निकालना है। ये सिंपल क्वेश्चन आप कर लोगे, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लिख लो, इसमें जो आप करेंगे वो होमवर्क के लिए है। देखो एरिया निकालना है ट्राइंगल का, टू साइड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। तो दो साइड कितनी दी गई हैं? टू साइड्स आर 8 सेंटीमीटर और एक है 11 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर। आप समझ गए यहां पर क्या करना होगा? चलो करा ही देता हूं। एरिया आप निकाल लेना, मैं स्टार्टिंग की चीज बता देता हूं। थर्टी टू सेंटीमीटर, देखिए समझिएगा बात को। अगर पेरीमीटर दिया हुआ 32 तो इट इज नॉट सेमी पेरीमीटर, अलग चीज होती है, पेरीमीटर अलग चीज होती है। तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखें, क्वेश्चन में सेमी पेरीमीटर नहीं दी जाएगी, क्वेश्चन में पेरीमीटर ही दी जाएगी। तो आपको अगर एस निकालना है तो एस निकालने के लिए आप पेरीमीटर का सीधा हाफ कर सकते हो तो एस आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज चाहिए ना, थर्ड साइड। तो थर्ड साइड तो पेरीमीटर से ही आएगी। तो आप क्या करो, पहले तो इसकी तीसरी साइड जो नहीं मालूम वो चाहिए हमें। सो क्लियरली थर्ड साइड इज नॉट गिवन, सो लेट थर्ड साइड क्या हो जाएगी? सी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर और सी मुझे पता नहीं है। तो क्लियरली हम जानते हैं कि पेरीमीटर जो होता है वो क्या चीज होता है? पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब 32 जो दिया गया है सेंटीमीटर में, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर का मतलब मैंने बताया था यही होता है, ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर अपॉन टू आता है, लेकिन ये पेरीमीटर है। तो ये क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। ये कितना है? 32, क्योंकि यहां से पहले मुझे थर्ड साइड चाहिए। तो कितना हो जाएगा? ए 8, बी कितना है? 11, सी मुझे निकालना है, ये 32। अब सी कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 19 प्लस सी इज इक्वल टू 32, यानी कि सी आ जाएगा 32 माइनस 19। तो सी कितना निकल के आ गया बेटा? 32 में से 19 ये जब माइनस करोगे तो 11 और 2 13 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो तीसरा साइड 13 सेंटीमीटर आ गया।
पेरीमीटर कितनी दी गई है? पेरीमीटर दी गई है 32, तो इसलिए आप पेरीमीटर अगर 32 दी गई है तो सेमी पेरीमीटर आप बड़े आराम से निकाल लोगे। कैसे? अब ए प्लस बी प्लस सी करने की जरूरत नहीं है, पेरीमीटर दिया ना 32, तो एस क्या हो जाएगा 32/2 डायरेक्ट कर दो, सीधा सीधे 16 आ गया। अब निकाल दो एरिया जल्दी से, फटाफट बताओ निकाल के एरिया कितना आ रहा है। एरिया निकाल के दिखाएंगे जल्दी से, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एरिया देखता हूं कितने बच्चे कर रहे हैं, फाइंड द एरिया, जल्दी करो। एस मैंने निकाल दिया है, एबीसी आपके पास आ गए, अब एरिया निकालना है, जल्दी निकालो एरिया कितना आएगा, फॉर्मूला लगा दो जल्दी से, फॉर्मूला लगा दोगे आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। कितना आ गया बेटा? 8√30 cm², बिल्कुल सही है, 8√30 cm², सबको आ रहा है समझ में? देखिए सबको समझ में आना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि समझ में आना चाहिए सभी को, आ रहा है ना? बोलो समझ में आ रहा है बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब कह रहे हैं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर दिया है 30 cm, ईच ऑफ इक्वल साइड्स 12 cm, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो याद करो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या पहचान? दो साइड एक समान। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है बेटा, जो इक्वल साइड्स होती हैं वो अलग होती हैं, और जो तीसरी बची हुई साइड होती है उसको या तो वो थर्ड साइड कहेंगे या वो उसको बेस कह देंगे। तो कभी कभार आपको मिलेगा लिखा हुआ बेस, कभी कभार लिखा मिलेगा थर्ड साइड, तो आप समझ जाना जो अनइक्वल वाली साइड है वो थर्ड साइड है। तो अब क्वेश्चन को दोबारा सुनते हैं। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 cm, तो फटाफट से पेरीमीटर लिख लिया, पेरीमीटर कितना है बेटा 30 cm, तो पेरीमीटर मिल जाएगा 30 cm, इससे हमें एस भी मिल जाएगा। अब यहां से बोल रहे हैं कि ईच ऑफ द इक्वल साइड्स आर 12 cm, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि दो इक्वल साइड तो दी गई हैं लेकिन जो तीसरी साइड है जो अनइक्वल है वो साइड नहीं दी गई है, तो उसको हम कुछ मान लेते हैं। तो लेट द थर्ड साइड या अनइक्वल साइड बी एक्स, तो हमने माना लेट अनइक्वल साइड, जो अनइक्वल साइड है उसको मैंने x मान लिया, वो x सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a कितना हो जाएगा 12 cm, दिया गया है ना इक्वल साइड 12 है, b भी 12 cm हो जाएगा, जो c है वो x हो जाएगा क्योंकि वो निकालना है मुझको। तो पहला टारगेट क्या है, c निकालो। तो c कैसे निकलेगा, पेरीमीटर दी गई है तो बस लगा दो पेरीमीटर। सुनाओ पेरीमीटर कितना होता है या कितना दिया है, तो पेरीमीटर दिया हुआ है बेटा 30 cm, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, ये यहां से आप 30 लेकर निकाल सकते हो, तो 12 x, ये आ जाएगा 30। अब ये कितना हो गया 24 प्लस x इज इक्वल टू 30, तो x आ जाएगा 30 - 24 यानी कि 6 cm। तो तीसरा जो अनइक्वल साइड था वो कितना आ गया 6 cm। बोलो यहां तक आ गई बात समझ में? तो तीसरा जो अनइक्वल साइड है वो आ जाएगा 6 cm, इसमें कोई दिक्कत
नहीं है, अब निकालते हैं एस जल्दी से। तो जब पेरीमीटर दिया जाता है तो एस निकालना मुश्किल है क्या? सुना, देयरफॉर एस आ जाएगा। मैंने आपको बताया है कि अगर पेरीमीटर दिया जाए तो एस के लिए फिर फॉर्मूला मत लगाओ, सीधे उसका आधा कर दो पेरीमीटर का। पेरीमीटर का आधा सेमी पेरीमीटर होता है, तो ये आधा कर दिया तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये चेक हमेशा कर लेना कि एस की वैल्यू जो होगी वो ए बी सी तीनों से बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो एरिया नेगेटिव हो जाए, मतलब वो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, वो पॉसिबल है नहीं। तो कई अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं और आपने देखा कि एस की वैल्यू साइड की वैल्यू से छोटी हो गई, किसी भी एक साइड की वैल्यू से छोटी नहीं हो सकती है, एस हमेशा बड़ा होगा, पेरीमीटर तो बड़ा होगा ही होगा, सेमी पेरीमीटर भी साइड से बड़ा होगा, नहीं तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। अब एरिया निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल जो भी है, तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल जो पूछा था आपसे वो निकाल लेते हैं फॉर्मूले से, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही फॉर्मूला होता है बेटा। एस का मतलब कितना है 15, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। ये अभी फैक्टराइज मत करो, पहले देख लो क्या निकल रहा है। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, पेयर बन गया, ये हो जाएगा कितना 9। अब आप पेयरिंग कर सकते हो। मैंने देखा कि अगर मैं 15 के पेयर कर भी दूं तो भी कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि 15 होता है 3 × 5। अब ये ऑलरेडी पेयर में है, 9 का पेयर बन जाएगा 3 × 3, तो 15 की पेयर करने से क्या कोई फायदा निकल रहा है? नहीं निकल रहा, क्योंकि कोई पेयर ही नहीं बनेगा, तो काय के लिए टाइम खराब करूंगा, मेरे को दिख जाता है इतना तो। ये 3 3 के दो पेयर बन गए, तो 2 3 बाहर आ जाएंगे, जितने पेयर उतने नंबर बाहर आ जाते हैं, तो 2 पेयर हैं तो 2 3 बाहर आ गए, और अंदर क्या रह जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 9√15, क्योंकि रूट 15 जो है उसमें जो 15 है उसमें कोई भी ऐसी नंबर नहीं है जो पेयर बना दे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसलिए ये आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप, साइड सेंटीमीटर में है ना, तो एरिया आ गया 9√15 cm². ये बेटा तरीका है करने का, इस तरीके के जो सिंपल क्वेश्चंस हैं ये ऐसे हो जाते हैं। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को बदलते हैं, इसको सभी ने नोट कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, आ रहा है सबको समझ में? रिप्लाई करें प्लीज सभी लोग। देखिए कुछ बच्चे ही रिप्लाई करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं अभी इसमें? सबके रिप्लाई आने चाहिए बेटा। यहां तक सबको समझ में आया है तो प्लीज एक बार सभी लोग रिप्लाई कर दें, अंडरस्टूड? सभी लोग मतलब सबको करना है रिप्लाई, सबको रिप्लाई करना है, सबको अंडरस्टूड, तो सबको लिखना है, प्लीज जल्दी से रिप्लाई करें सभी, पहले एक बार जल्दी से सभी लोग रिप्लाई करें, जिससे मुझे पता चल जाए कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने बच्चे समझ गए हैं, मैं एक बार देखना चाहता हूं। जल्दी से सभी लोग का रिप्लाई आना चाहिए। देखिए श्वेता, उज्जवल, अदित्रि, पार्थ, सुहानी, प्रियांशी, प्रशांत, कृतिका, सोम, वैष्णवी, वृंदा, विशाखा, ऋषु, खुशबू, अंशुल, शांभवी, सोम, श्वेता, अगेन ये तो रिपीट हो गया, और ये गेमिंग कौन है भाई? आर्यव्रत होगा मेरे ख्याल में, और आर्या, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, इस बैच में सार्थक अभी गायब है, निमिष गायब है, प्रत्युषा गायब है, तीन बच्चे तो मेरे को दिख ही नहीं रहे हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन जो है इसको समझना, कुछ चीजें मैं आपको करने को दे दूंगा और कुछ मैं कराता जाऊंगा जल्दी जल्दी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड इज 450 मीटर। लिखो जल्दी से, पेरीमीटर ट्राइंगुलर फील्ड का कितना है? 450 मीटर। तो पेरीमीटर तो पहले ही लिख लिया मैंने ट्राइंगुलर फील्ड का, ट्राइंगुलर फील्ड का मतलब ट्राइंगल है, एक फील्ड है जो ट्रायंगल के फॉर्म में है, एंड पेरीमीटर इज 450 मीटर, रिमेंबर मीटर में दिया है इस बार। अब इसके बाद कह रहे हैं इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 13, 12 और 5, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो साइड जो हैं उनका रेशियो दिया है, साइड्स नहीं दी गई हैं। तो अगर रेशियो दिया जाता है तो साइड्स कैसे लेंगे? तो पहले तो रेशियो बता देता हूं क्या दिया हुआ है। साइड्स का रेशियो दिया है 13, 12 और 15।
तो रेशियो है 13, 12 और 15 है कि 5 है, 5 है सॉरी, ये रेशियो दिया है। अब आप समझो जरा रेशियो की कहानी, कई बार बताइए मैथ्स में जब रेशियो हटाना होता है तो कोई ना कोई नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, चाहे वो एक्स ले लो, चाहे के ले लो, चाहे कुछ और ले लो, ऐसा कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, तो रेशियो हट जाता है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो मैं कहूंगा बेटा इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई नंबर रेशियो में दिए गए हैं तो इनका रेशियो निकालना पड़ता है। जैसे ये एक ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, तो ए का रेशियो का दो फैक्टर मान सकते हैं आप, या ए अपॉन बी मान लिया, फिर बी अपॉन सी मान लिया, इस तरह से मान सकते हैं। इज इक्वल टू कोई भी नंबर ले दी, जैसे हमें तीन ये रेशियो जो दिया गया है, मान लो ऐसे तीन रेशियो दिए गए हैं, 2/3 या ए बाय थ्री, ए बी बाय टू समथिंग कुछ, सी बाय सिक्स समथिंग कुछ। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम के मान लेते थे, के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। अब नीचे कुछ नहीं है तो सब में वन है, अगर कुछ नहीं है देखो ए बी सी है तो सब में वन है। अब सब में अगर वन है तो बोलो ए क्या हो जाएगा, के, बी क्या हो जाएगा, के, सी क्या हो जाएगा, के, यानी कि जब कुछ नहीं है तब के आ रहा है ना, तो अगर कुछ है तो के इसके साथ आ जाएगा, ऐसे समझना होता है बात को। तो ये रेशियो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया सॉल्व करके, तो आपको तरीका सीधे सीधे समझना है कि अगर रेशियो दिया जाए तो लेट द साइड्स ऐसे लिखना पड़ेगा, लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर बी, क्या क्या हो जाएंगी साइड्स बताओ, ए इज इक्वल टू 13x, बी क्या हो जाएगा 12x और सी क्या बन जाएगा बोलो, सी बन जाएगा 5x, इसमें कोई दिक्कत, तो कोई ना कोई साइड आ गई, x आ गया साथ में। अब देखो पहला काम x निकालना है, तो x निकालने से क्या होगा, a b c तीनों साइड आ जाएंगी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए पेरीमीटर दिया हुआ है, देख लो मैंने आपको बताया था पेरीमीटर का बहुत यूज होगा, तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है बताओ, तो बिकॉज पेरीमीटर जो है वो दिया हुआ है 450 मीटर। अगर पेरीमीटर 450 मीटर है तो पेरीमीटर का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया 450। ए कितना है बेटा 13x, बी कितना है 12x, सी कितना है 5x, 450 13 यानी कि 13 and 12 25 and then 5 30x, 30x इज इक्वल टू 450, ये 30 से कैंसिल कर दो तो x आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा x बोलो जल्दी से, 15 आ जाएगा, 15 into 3 45 होता है तो 15 आ जाएगा, 0 से 0 कट ही गया था। अगर x की वैल्यू 15 आ गई तो a b c साइड्स आ जाएंगी, अभी अभी साइड्स आई नहीं है, x रखना पड़ेगा उसमें, तो जल्दी से बताओ a b c क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर a निकल के आ जाएगा 13 into 15, x की जगह 15 रखना पड़ेगा आपको, कितना आएगा बेटा 13 into 50, तो 15 into 3 45, 4 कैरी गया, 15 1 15 और 4 19, यानी कि 195 मीटर, ये मीटर जरूर लगा देना क्योंकि सब मीटर में आएंगी। b की वैल्यू निकालो जल्दी से, कितना है 12, तो 12 into 15, 15 और 2 कितना होता है 30, यानी 33 कैरी गया, 15 और 3 कितने हो गए 18 180 मीटर। तीसरा निकालते हैं c, 5x है तो 5 into 50 कितना होता है 75 मीटर। ये तीनों साइड्स आ गई, पेरीमीटर हमारे पास जब है तो मैंने बोला a प्लस बी प्लस सी अपॉन टू ना लगाओ, सीधा इसी का आधा कर दो, ऐसा जाएगा तो s कितना हो जाएगा 450 अपॉन 2, सीधे करा करो जब पेरीमीटर दिया जाए, बार बार बोल रहा हूं, 450 का जस्ट हाफ कर दीजिए, 225 होना चाहिए मीटर। अब आपको एरिया निकालना है केवल, अब क्या रह गया बेटा एरिया, तो एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, मैं करके दिखा दूं, बड़ा कैलकुलेशन है। चलो सुनाओ, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड, तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड जो आपसे पूछा गया है वो कैसे आएगा बेटा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी,
यही लगाते जाएंगे। तो S कितना है 225, तो ये जाएगा 225, फिर 225 माइनस 195, फिर 225 माइनस 180, फिर 225 माइनस कितना आएगा 75। ये तो वैल्यूज हो गई। अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। देखो 225 को अभी फैक्टराइज कर दें या रुक जाते हैं, पहले एक स्टेप लिख देते हैं, क्या जल्दबाजी है। 25 और 5 30 हो जाएंगे, ये कितना बचेगा बेटा 45, ये कितना मिलेगा बेटा 75 गए तो 150, 150। अब जरा दिमाग लगाओ, ऐसी नंबर में डिवाइड करो जिससे बहुत ज्यादा छोटे नंबर आपको ना बनाने पड़े। तो मेरे को एक नंबर तो मिल रही है 15, कैसे मिल रही है 15, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, 15 आ गया। फिर 15 जब चला जाएगा तो यहां से 2 बचेगा, यहां से 3 बचेगा, यहां से 10 बचेगा। फिर यहां पे देखो जरा 225 है, 225 किसका स्क्वायर होता है, तो 225 स्क्वायर होता है 15 का कि नहीं होता, तो 225 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गई। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 ही होता है ना, तो बस 15 में डिवाइड करो, जल्दी खत्म हो जाएगी बात। देखो तो ये 15 का स्क्वायर होता है तो 15 × 15 यानी 15 × 15, ये हो जाएगा 15 × 2, ये हो जाएगा 15 × 3। अब सर सुनो मेरी बात, 15 के दो पेयर यहां बन गए, 15 के दो पेयर, एक पेयर मतलब यहां बन गया और एक पेयर यहां बन गया, 2 और 3 प्राइम नंबर है। तो अब अगर एक 15 ले भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं है, तो अब 15 मत लो, अब इसको पूरा फैक्टराइज करो। तो ए 150 है, 150 क्या होगा बेटा 15 × 10, 15 को फैक्टराइज करो, 10 को भी फैक्टराइज करो, कितना मिलेगा, ये देखो 150 है ना, 15 और 10 है तो क्या क्या मिल सकता है, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 दो बार मिल जाएगा, मिल गया कि नहीं मिल गया, तो 2 × 3 × 5 × 5 ये मिलेगा। अब मैंने 15 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दो पेयर बन गए, तीसरे से अकेले से कुछ होना नहीं था। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख दो, तो क्या क्या दिख रहा है, 15 × 15 × 15 × 15। अब क्या बच रहा है, एक 2 ये है, एक 2 ये है, तो 2 2 आ गए, एक 3 ये, एक 3 ये, तो 2 3 आ गए, एक 5 ये, 5 ये, यानी कि 2 5 आ गए। लो बन गए सबके पेयर, अब क्या दिक्कत है, बना लो बाहर सबको एक एक बार लिख दो। तो 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 15 दो बार लिख दिया, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये 225 होता ही है, ये 10 होता है, तो 2250 और 2250 × 3 कर दो, आंसर आ जाएगा 6750 मीटर स्क्वायर, 6750 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो ज्यादा छोटे छोटे में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, पेयरिंग करनी है वो आप अपने हिसाब से करो, कैलकुलेशन इतनी तो सबको आती है, ठीक है। इस तरीके से आपको पेयर करने हैं बेटा, इस तरीके से समझना है क्वेश्चन को। बोलो आ गया समझ में, कर लिया सबने, जल्दी से नोट कर लें इसको, नोट जरूर करते जाना, नोट जरूर करते जाइएगा। एक क्वेश्चन दूं करके दिखाओगे, अच्छा लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग अलग लगेगा, जरा देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन जरा ध्यान से सुन लो, पहले नोट कर लो क्वेश्चन को जल्दी से, अलग टाइप का क्वेश्चन है, नोट करेंगे। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 cm, 12 cm and 13 cm। लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 5 cm, 12 cm and 13 cm। ये तीन साइड दे दी हैं ट्राइंगल की, बहुत अच्छी बात है। तो तीन साइड कौन कौन सी हो गई, ए 5 cm, बी 12 cm और सी हो गया कितना था 13 सेंटीमीटर। अब इसमें आगे देखो क्या बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ध्यान से सुनना आगे की लाइन, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर
फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि 13 सेंटीमीटर के साइड के सामने वाला जो वर्टेक्स है उससे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें उसकी लेंथ क्या होगी, ये निकालना है। तो कुछ समझ में आया आपको? एक ही ट्रायंगल के अंदर दो तरीके से एरिया निकालना पड़ेंगे। आपको इसका फिगर बनाना पड़ेगा पहले, तो मैं आपको ढंग से समझाता हूं फिगर। पहले इस क्वेश्चन को प्लीज नोट कर लो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे क्या किया गया है। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। यानी कि हाँ रिपीट कर तो दिया क्वेश्चन बेटा, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। यानी कि 13 सेंटीमीटर के सामने वाला जो वर्टेक्स है उसके वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो क्या उसका लाइन आएगा। तो पहले सपोज करो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, ऑब्वियसली दिख रहा है मुझे ये राइट ट्राइंगल है। आप कैसे पकड़ोगे इसको राइट ट्राइंगल को? पाइथागोरस फॉलो कर रहा है, सबसे बड़ी साइड का अगर स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाए तो राइट ट्राइंगल बनता है। लेकिन ये लॉजिक हमें नहीं लगाना है, पहले तो समझो, हम कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एमसीक्यू नहीं कर रहे हैं। ये लॉजिक एमसीक्यू में काम आ जाएगा, बता दूंगा अगर अभी चाहोगे तो, कि इसका आंसर अगर सेकेंड्स में निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो पहले तो मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया जिसमें सबसे बड़ी साइड नीचे रख लो क्योंकि इसके साइड पे से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो जिस साइड की बारे में बात करेंगे, जिस साइड के सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उस साइड को सबसे नीचे ले लो, बेस ले लो। अब जरा समझो, मान लो ये ट्राइंगल एबीसी है, तो वो कह रहे हैं कि किससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ध्यान से सुनना। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। यानी कि 13 सेंटीमीटर की जो साइड है, ये 13 सेंटीमीटर मान लिया, इस साइड के सामने जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स हो गया, इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे उसकी लेंथ चाहिए, तो सबसे बड़ी साइड के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसका मतलब ये है कि 13 सेंटीमीटर वाली साइड जो है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं, वो घुमा फिरा के बोल रहे हैं जिससे आप परेशान हो जाओ। तो 13 सेंटीमीटर की जो साइड है वो ये है, ये सबसे नीचे मैंने इसलिए ली क्योंकि इसी पे इसके सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब है इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो इसके सामने वाला वर्टेक्स ए था, वहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसी पर ही आएगा। अच्छा मान लो अगर बोलते कि 12 सेंटीमीटर वाली साइड जो है उसके सामने जो वर्टेक्स है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो बताओ कहां से ड्रॉ करते, मुझे बताओ। परपेंडिकुलर फ्रॉम द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर, अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर की साइड दिख रही है क्योंकि ये सबसे छोटी बना दी मैंने, तो मुझे बताइए कौन सा वर्टेक्स होगा, वो बी होगा, बिल्कुल सही बात है, तो वो बी से ड्रॉ होगा, है ना। अगर मैंने बोला कि 5 सेंटीमीटर की साइड है और सी से परपेंडिकुलर, मेरा मतलब 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ करना है तो सी से ड्रॉ करेंगे। बहुत बढ़िया, अब जरा काम का क्वेश्चन सुन लो, बहुत दिमाग है आप लोगों में, वेरी गुड, मान लिया। अब जरा सुनना, अब मैं देखता हूं कौन आंसर देता है, ठीक है, तैयार हो आंसर देने के लिए, चलो ठीक है। अब जरा सुनो मेरी बात, अब आपको साइड दे दी, ट्राइंगल दे दिया, ये लो ये ट्राइंगल है, बढ़िया बढ़िया, ये तो क्वेश्चन हो गया समझ लो। अब मैं कुछ नई चीज कर रहा हूं, अब इसमें बोला जा रहा है ए बी सी, ये ट्राइंगल है, इसकी तीन साइड हैं, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है और एक मान लो 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड
फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल, अगर ऐसा पूछा जाता फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर एक ही बात होती है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्राइंगल, तो कौन सी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा? मैं अभी इसका क्वेश्चन भी बना के आंसर भी पूछ लूंगा, पहले तो मेरे को केवल इतना बता दो कि वो साइड कौन सी होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट परपेंडिकुलर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट परपेंडिकुलर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट परपेंडिकुलर इन दिस ट्राइंगल, तो वो लॉन्गेस्ट परपेंडिकुलर कौन सी साइड पर ड्रॉ किया जाएगा, लॉन्गेस्ट परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ किया जाएगा, मुझे बताइए। आंसर देख लेता हूं क्या आया, आंसर आया है एक कह रहा है 12 सेंटीमीटर वाली साइड पे, बाकी सबने आंसर ए बी दिया है, ए बी मतलब लॉन्गेस्ट वाला, तो ए बी थोड़ी बता पाओगे आप तो लॉन्गेस्ट बता रहे हो, तो लॉन्गेस्ट का मतलब इनकी लेंथ से बताओ ना कौन सी साइड पे ड्रॉ किया जाएगा, 5 सेंटीमीटर वाली साइड पे होगा, 12 सेंटीमीटर वाली साइड पे परपेंडिकुलर होगा, या 13 सेंटीमीटर वाली साइड पे परपेंडिकुलर होगा, ये बताना है आपको। तो कौन सी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, 5 पे, 12 पे या 13 पे, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड बताओ। वेरी गुड सुहानी, 5 सेंटीमीटर वाली साइड पर, यानी कि अगर सबसे बड़ा एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो सबसे छोटी साइड पर ड्रॉ होगा, सबसे छोटा एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो सबसे बड़ी साइड पर ड्रॉ होगा, यानी कि अगर ए बी को मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया, ये 13 सेंटीमीटर ले लिया, ये 12 सेंटीमीटर ले लिया, यहां से हमने एक क्वेश्चन खत्म किया है, ये आप मान के चलें हमने यहां पर एक क्वेश्चन निपटा दिया, क्योंकि इधर तो इन्होंने बड़े आराम से दे दिया कि भाई इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, 13 सेंटीमीटर वाली साइड के सामने वाले वर्टेक्स से ड्रॉ करो, तो बड़ा इजी काम है, तो ए डी हमने ड्रॉ कर दिया, तो इसकी लेंथ निकालनी है, इसको एच मान लो, सॉल्व कर लेना, पहले एरिया निकाल लेना ट्राइंगल का हीरोन्स फॉर्मूला से, फिर हाफ इंटू बेस कौन है बीसी और हाइट कौन है एडी, उससे उसी एरिया को रख देना, आंसर आ जाएगा। तो अब मेरी बात को समझो, मैंने इसमें क्या बोला, मैंने बोला यहां पर, मैंने ये नहीं बोला कि बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है या इससे करना है या उससे, मैंने बोला सबसे बड़ा एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो अगर सबसे बड़े एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सी से, क्योंकि इस पे जो एल्टीट्यूड आएगा वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि साइड सबसे छोटी है। अब मुझे बताओ सबसे छोटा एल्टीट्यूड अगर निकालना हो तो किस पे ड्रॉ करेंगे, अगर सबसे छोटा एल्टीट्यूड निकालना हो तो किस पे ड्रॉ करेंगे, बोलो जल्दी से, छोटा एल्टीट्यूड, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, कम ऑन आंसर, सबसे छोटा एल्टीट्यूड किस पे ड्रॉ करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, सबसे छोटा एल्टीट्यूड किस पर ड्रॉ करेंगे, सबसे छोटा एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे 13 सेंटीमीटर पे, वेरी गुड। को भैया ये बताओ शर्मा जी तुम्हारे आंसर क्यों नहीं आ रहे यार, पार्थ शर्मा का आंसर नहीं मिल रहा है, कृतिका आंसर दे रही है, कुछ बच्चे ही आंसर देते हैं, यही 6-7-8 बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं, बाकी आंसर क्यों नहीं देते यार, है ना। तो सबसे छोटा एल्टीट्यूड सबसे बड़ी साइड पर आएगा, अब एक क्वेश्चन निपटा दिया, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि एक ट्राइंगल है उसकी साइड मान लीजिए है 12, 13 और 15, ठीक है, अब आपसे बोला है फाइंड द शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल, क्या निकालना है, फाइंड द शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल, तो कैसे निकालोगे, तो देखो मान लिया ये 12 है, ये 13 है और ये मान लीजिए 15 है, इन्होंने बोला कि शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड निकालो इसका, तो शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड जो होता है वो सबसे बड़ी साइड पे ड्रॉ होता है, करेक्ट है, नहीं शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड किस पे ड्रॉ होगा, सबसे बड़ी साइड पे, बिल्कुल, तो ये बी से ड्रॉ होगा क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है, फिगर के थ्रू समझा रहा हूं। अब आपने क्या करना होता है, एल्टीट्यूड निकालना है, तो एल्टीट्यूड निकालना है, बेस दिया हुआ है, तो एक चीज चाहिए एरिया, तो एरिया कैसे निकालोगे, हीरोन्स फॉर्मूला से, तो एरिया आ गया। अब एरिया जो इस ट्राइंगल का आएगा, मुझे बताओ अगर आपने एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला या इसी ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाला, तो एरिया अलग अलग आएगा क्या भाई, एरिया की वैल्यू तो सेम ही आएगी ना यार, तो एरिया आप एक पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हो तो किसी भी फॉर्मूले से निकालोगे उसका एरिया सेम आएगा, वो बात अलग है कि उसमें फॉर्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा वो अलग बात होती है, लेकिन एरिया तो सेम ही आएगा ना। तो अगर मान लीजिए एल्टीट्यूड चाहिए होता है तो तीनों साइड दी गई, तो पहले एरिया निकाल लिया, मान लो एरिया एक्स आ गया,
तो यही एक्स जो एरिया है वो हम यहां रख देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में। और हाइट कौन सी लेनी है वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर सबसे छोटा हाइट चाहिए तो सबसे बड़ी साइड को बेस ले लेना, सबसे बड़ा हाइट चाहिए तो सबसे छोटी साइड को बेस ले लेना, बस आपका आंसर आ जाएगा। एरिया आ चुका है, बेस आपको दिमाग से सोचना है। सबसे बड़ी हाइट चाहिए, अगर बोलिए लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड निकालो तो बेस किसको लोगे, सबसे छोटी वाली साइड को। आपसे बोला है कि सबसे छोटा एल्टीट्यूड निकालो तो बेस किसको लोगे, सबसे बड़ी साइड को, वो यहां रख देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन करने का। आ रही है बातें समझ में कि नहीं आ रही है? मैंने यहां से दो तीन चीजें क्लियर की हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू में भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है और सब्जेक्टिव में भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कर ही लिया होगा, मैं आपको बता देता हूं हिंट में करना कैसे है। तो सबसे पहले तो एरिया निकाल लेना हीरोंस फॉर्मूला से, कितना आ रहा है बेटा इसका एरिया, हीरोंस फॉर्मूला से इसका एरिया कितना आ रहा है, 30, क्योंकि 60 बाय कुछ आंसर आ रहा है आप लोगों का। तो एरिया मान लो इसका 30 आ गया बेटा, ये तो आप निकाल लोगे हीरोंस फॉर्मूला से। अब मैंने बताया कि चूंकि मुझे हाइट चाहिए तो एरिया तो इस ट्रायंगल का 30 रहेगा ना, लेकिन हाइट निकालना है इसलिए मैं कौन सा फॉर्मूला और लगाऊंगा इसमें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी तो निकाल सकते हैं और इज इक्वल टू 30 ले लेंगे, क्योंकि ट्रायंगल तो वही है। अब बेस किसको लोगे, तो बेस आपसे बोला गया था कि 13 सेंटीमीटर वाली जो साइड है उसके सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, तो बेस ऑटोमेटिकली 13 हो गया, तो बेस हो गया 13 और ये परपेंडिकुलर आपको निकालना था बेटा, इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जाएगा 30 के पास, तो 13h इज इक्वल टू 60 हो गया था, तो h आ गया 60/13। यानी कि इसमें अगर हमारे पास एरिया आ जाए तो एरिया को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, इसमें बस हीरोंस फॉर्मूला आपके लिए छोड़ दिया मैंने लगाने के लिए, ठीक है? आ गई बातें समझ में कि नहीं आई? तो अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड निकालो शॉर्टेस्ट निकालो, तो आपको समझना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये आप लोग मुझे देखो, देखता हूं कितनी देर में करके दिखाते हैं, देखते हैं कितनी देर में आप करके दिखाते हैं। कर रहे हो, तैयार हो तो देखो फिर, तैयार हो, तैयार हो, जंग लड़ने थोड़ी जाना है अपन को, क्वेश्चन ही करना है एक, बोल दो यस सर। ये किसका फोन आया है, ठीक है ठीक। देखिए डिस्टर्ब कर दिया यार इसने फोन ने, हाँ चलिए। ओहो रेडी है भाई साहब सभी, चलो देखो। A ट्राइंगल हैज साइड 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर। चलो लिख देता हूं, A दिया हुआ है 35, B दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर, C दिया हुआ है 61 सेंटीमीटर। फिगर आप बना लेना, क्योंकि फिगर बना दूंगा तो काम आसान हो जाएगा आपके लिए, वो मैं करना नहीं चाहता। फाइंड इट्स एरिया, ठीक है साहब एरिया निकालो। Also find the smallest of its altitude. तो एरिया निकालना है और smallest altitude निकालना है इस ट्राइंगल का। देखो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने बनाया था अभी, smallest altitude और एरिया। Your time starts now. देखता हूं कितने बच्चे आंसर देते हैं और सबसे पहले कौन देता है, करो जल्दी से। smallest altitude और एरिया दोनों निकाल के बताओ जल्दी से। तो दो आंसर देने हैं आपको, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड और एरिया दोनों निकालने होंगे।
देख रहा हूं कौन करके दिखाएगा इसको, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड और एरिया दोनों निकालने हैं।